हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर CONCACAF नेशंस लीग का मैच हो रहा है, मैडिनटी क्यू वर्सेस कुराकाओ के बीच। 5:30 बजे मैच खेला जाएगा सुबह। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो MAT और CUR के अंदर जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करने की सोचूंगा डबल साइड को, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों टीम्स के मैच बहुत कम होते हैं। आई थिंक ये मेरे 4 साल के करियर का, फैंटेसी करियर का, आई थिंक फर्स्ट मैच होगा जो मैं MAT वर्सेस CUR के बीच कवर कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने TT के काफ़ी मैच कवर किए हैं, मैंने ELS के जितने मैच कवर किए हैं, इसमें मुझे कोई तंगी नहीं है। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम MAT एंड CUR का मैच कवर कर रहा हूँ, और बड़ा अजीब सा मतलब ये है, कहीं इनके प्लेयर जो डोमेस्टिक लेवल में मैं जानता हूँ, उनको मैं अच्छी तरह भी पहचानता हूँ, लेकिन कहीं ऐसे प्लेयर जो मेरे लिए नए भी हैं। सो ज़रा देख के करना। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए मैं पूरा मैच एनालाइज करके तो आया हूँ, लेकिन क्या कि चक्कर कुछ भी हो सकता है। कहीं प्लेयर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अब JRES को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर एल बैक्यूना को अच्छी तरह जानता हूँ, और ऊपर से इनके 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 बहुत प्लेयर हैं, जैसे कि आप इसको जानते हो मार्केलो को, और स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आप माइकल बेरोन को जानते होंगे। अब पता चलेगा खेलेगा कौन। सबसे पहले मैं लूँगा के गोर को, क्योंकि गोर अभी कंटिन्यू खेल रहा है, और गोर को मैं अच्छी तरह डोमेस्टिक लेवल में गेम प्ले से इसके वाकिफ़ हूँ, और नेशंस लीग का मैच है तो पता तो चल ही जाएगा क्या होगा। उसके बाद एरियस का पता नहीं, एरियस खेलेगा नहीं खेलेगा, तब तक आप गोर को लो। उसके बाद आगे से बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा बायरन को, माइकल बायरन अगर खेलता है, अगर नहीं खेलता देन मैं लैबियो के साथ जाऊँगा, क्योंकि ब्रिटन लैबियो का गेम प्ले अच्छा है, खेलेगा तो ज़रूर लूँगा, नहीं खेलेगा तो फैबियन लूँगा। अभी आप बायरन को सेव करिए। और ई हुई की बात करूँ, अभी मैंने हुई को इतना खास चलते देखा तो है नहीं, सो मैं तो इससे दूर हूँ। मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करें, बैक्यूना को ज़रूर लो। एल बैक्यूना ने CUR की तरफ से बहुत गोल किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला प्लेयर है डी हरेले के बाद जो मेरा थर्ड प्लेयर होगा वो है के फैलिदा, और नीचे से जितने भी प्लेयर्स हैं लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत कम मिडफील्डिंग है दोनों टीम्स के पास। इनके मोस्ट ओवर जो काम करते हैं वो मिडफील्डर और स्ट्राइकर ही करते हैं, जो कि इनके सेलेक्टेड है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई नया आ गया या कोई पुराना नहीं चल रहा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंड डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा सबसे पहले, देखिए MAT का प्लेयर जिसका नाम है फ्लोरेंट के बाद जो मेरे बाकी 3 प्लेयर होंगे वो तीनों CUR टीम के होंगे। सबसे पहला है मेरा जूरियन गैरी के बाद मार्केलो, ठीक है ये, और मार्केलो के बाद मैं एक प्लेयर पक्का लूँगा फ्लोरेनस, ठीक है। फ्लोरेनस कर रहा है थर्ड डिफेंडिंग, हालांकि मैं थर्ड डिफेंडर पे इतना जोर देता नहीं हूँ, मैं हमेशा चौथे डिफेंडर पे जोर देता हूँ, लेकिन आज लेने का मन है इस खिलाड़ी को, क्योंकि गेम प्ले इसका देखा मैंने, ठीक है, डिफेंडिंग के अंदर असिस्ट रेशियो अच्छा है। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर मैं लूँगा एक ऐसा प्लेयर जिसकी सिलेक्शन ना के बराबर है, एमनल वर्मिग्नोन, तो इसके साथ जाऊंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। आगे से अगर बात करें कप्तान की, आज लोगों ने दिमाग चला रखा है भाई, मैं ये चीज़ तो देखने को मिल रही है, जिसको हमने कप्तान रखना था लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है। बैक्यूना की 55% सिलेक्शन है यार कप्तानी, इसको मैं कप्तान रखूँगा। वाइस कैप्टन होगा मेरा ऑपोजिशन टीम का ब्राइटन लैबियो, तो ये मेरी टीम है, क्योंकि वाइस कैप्टनशिप मेरे को उस टीम की समझ नहीं आ रही CUR की, तो मैंने वाइस कैप्टन MAT का रख दिया। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।